हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्यार्थ कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो साफ न दिखे तो कृपया वीडियो की क्वालिटी को जरूर बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी मैटर, सभी लिखे गए जो भी कंटेंट है, सब क्लियर साफ साफ दिखे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं धातु और अधातु के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, धातु क्या होता है? धातु वह तत्व जो दिखने में चमकदार हो। कैसा हो? चमकदार। धातु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। धातु वह तत्व जो दिखने में चमकदार हो, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए। एक छोटा सा, दिखने में कैसा हो? चमकदार। वह तत्व जो दिखने में चमकदार हो और इसके साथ जो भी गुण पाए जाते हैं, जरा उनको ध्यान से देखिएगा। वह तत्व जो दिखने में चमकदार हो, जिसके अंदर तन्यता यानी तनने का गुण, जिसे गर्म करके हम तान सके, उसे धातु कहते हैं। और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, धातु यानी जो चमक देखने में चमकदार हो, जिसमें तन्यता का गुण हो, तथा जिसमें आघात वर्धनीयता पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। वह तत्व जिसका आयन धनात्मक हो, उसे हम धातु कहते हैं। सिंपल वे में समझिएगा, वह तत्व जिसका आयन क्या हो? धनात्मक हो। क्या हो? धनायन हो। कैसा हो? धनायन। वह तत्व जिसका आयन यानी जो धन आयन हो, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, सिंपल में समझ रहा है। अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में कि तत्व कैसे पता करें धातु है या अधातु, तो नो प्रॉब्लम, चलिए हम देखते हैं। अगर हम बात करें सोडियम Na, यानी सोडियम को आप लोग जानते होंगे Na, ठीक है। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। Na सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करना सीखे होंगे, छोटे क्लास से ही चलते हैं। फर्स्ट कोश क्या होता है? K होता है। दूसरा कोश L होता है, उसके बाद M होता है, फिर N होता है। K कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, यम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8, यम में 8 और यन में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अगर यह कोश कंप्लीट हो जाता है तो वह रिवर्स प्रोसेस करता है। रिवर्स मींस क्या कि ये यन से, यन कोश से किसमें आता है? यम में रिवर्स कन्वर्ट होके आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यम में आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए देखते हैं क्या सोडियम धातु है या अधातु। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करने वाले हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। ये कोष है, ये नियम है, इतना करने के बाद वह रिवर्स किसमें आएगा? यम में। तो नो प्रॉब्लम, हम सोडियम का करने जा रहे हैं Na का होता है 11। 11 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम 11 का इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही करेंगे, K कोश में कितना आ गया? 2। L में कितना आ गया? 8। 8 2 10 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 2 10। बचा है मात्र एक नंबर, एक नंबर बचा यानी 10। 11 हमको करना है कंप्लीट, तो एक बचा, एक किस में आएगा? यम कोश में। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट कक्षा में जो भी नंबर्स होता है उसी को हम संयोजकता बोलते हैं, और वहीं से आयन
प्राप्त होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों चार से कम होगा, चार से कम होगा लास्ट कक्षा में, तब वह धन आयन होगा। अगर चार से अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा? ऋण आयन। अगर धन आयन होगा तो वह क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। अगर ऋण आयन आया तो अधातु हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कुछ। अगर इसके आगे की वीडियो की जानकारी चाहते हैं, आगे की वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और अपनी राय जरूर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।